के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। चिदवाताल थाना क्षेत्र में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या, गोली लगने से प्रेमिका का भाई भी घायल, पी ने कहा मामला प्रेम प्रसंग का, आरोपी गिरफ्तार। महेवा से तरकुलानी जाने वाले मलौनी तटबंध पर बांध के दायरे में आने वाले 4 लाख की आबादी को कटान से बचाने के लिए राप्ती नदी की धारा मोड़ने का कार्य शुरू, बच सकेगी बाढ़ की चपेट में आने वाले लाखों आबादी। गोलघर स्थित होटल में खाना खाने के दौरान आरक्षियों द्वारा एक परिवार के साथ अशोभनीय हरकत करने व मारपीट के आरोप में एसएसपी ने दोनों सिपाहियों को किया निलंबित। संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 38 केंद्रों पर सकुशल संपन्न, 17,730 अभ्यर्थी हुए शामिल, किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं। अवैध कच्ची शराब के ठिकानों पर पुलिस ने मारा छापा, भारी मात्रा में महुआ और लहन किया नष्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में 15 से 21 जून तक आयोजित होगी साप्ताहिक योग शिविर एवं शैक्षिक कार्यशाला, 3 जून से होगा रजिस्ट्रेशन। गोरखपुर में इस्कान की एक सुंदर मंदिर और प्रचार केंद्र के निर्माण को लेकर आयोजित हुई बैठक, मंदिर निर्माण को लेकर सदस्यों में है उत्साह। लोकसभा चुनाव में मिली हार को लेकर आयोजित हुई जिला कांग्रेस कमेटी की समीक्षा बैठक, जिले के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहे मौजूद। विश्व पर्यावरण दिवस से पूर्व संगोष्ठी का हुआ आयोजन, गोरखपुर के पर्यावरण को लेकर की गई चिंता प्रकट। अहमद माज ने रखा पहला रोजा, रिश्तेदारों और बच्चों ने दुआओं से नवाजा, पहले रोजदार ने कहा आगे भी रखेंगे रोजा। श्री गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी दिवस पर जटाशंकर गुरुद्वारे में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन, सभी धर्म को लोगों ने बढ़ चढ़ कर किया रक्तदान। और कैंसर जागरूकता के लिए आयोजित हुआ नृत्य व गायन ऑडिशन, प्रतियोगियों ने बिखेरी अपनी प्रतिभा।